दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जिसका जीवन हमेशा नशीले पदार्थों की लत और हथियारों के मामले में जेल जाने के कारण सुर्खियों में रहा, जिसने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए, ऐसे अभिनेता संजय दत्त को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त उर्फ संजू बाबा की लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने उन्हें हमेशा विवादों में रखा है। लेकिन इसके बावजूद संजय दत्त आज भी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने व पहचाने जाते हैं। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजू बाबा अब तक 187 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही संजू बाबा पर एक बायोपिक फिल्म भी बन चुकी है, जिसने सबके सामने संजू बाबा की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी में भी संजू बाबा की कई काली सच्चाइयों को छुपाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। इस मूवी में संजू बाबा के कुछ ऐसे जिस्मानी रिश्तों को पब्लिक से छुपाया गया, जिसमें कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम आता है। यकीन मानिए, संजय दत्त का कई फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रहा है, और इन्हीं अफेयर्स की हकीकत का पर्दाफाश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपको संजय दत्त की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, और फिर आपको एक्टर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताएंगे। दोस्तों संजय दत्त की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीना मुनीम का। दरअसल संजय और टीना बचपन के दोस्त थे, और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान टीना और संजय का रिश्ता मजबूत हो गया था, लेकिन अफसोस उनका अफेयर हमेशा के लिए नहीं रह सका। टीना ने संजय को ज्यादा शराब पीने की आदत के कारण छोड़ दिया, और बाद में टीना ने धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से शादी कर ली। दोस्तों आइए अब आपको संजय दत्त और एक्ट्रेस रेखा की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। चौंकिए मत, मानते हैं इस सच को आजकल के लोगों के लिए बचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर उस समय के लोग इस अफेयर से भलीभांति परिचित थे। दरअसल साल 1994 में संजय दत्त का नाम अभिनेत्री रेखा से उस समय जुड़ा जब संजय अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेस रेखा को डेट कर रहे थे। उस समय संजय दत्त फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग कर रहे थे। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उस वक्त दोनों ने भागकर शादी भी रचा ली थी। हालांकि एक्ट्रेस के जीवन पर लिखी गई किताब दी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक यासर उस्मान ने इस अफेयर का कहीं जिक्र नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय ये अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई थी कि संजय दत्त को सामने आकर एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आरोपों का खंडन करना पड़ा था। हालांकि दोनों ने ही समय समय पर इस अफेयर की हवा को सिर्फ अफवाह बताया, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। खैर दोस्तों आइए अब आपको संजय दत्त की एक और गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं, जो कि थी उस सदी की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त का लव कनेक्शन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ भी चला था। खबरों के मुताबिक 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा, और फिर वो दोनों प्यार में हिचकोले खाने लगे। महज कुछ ही समय में दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। दावा किया जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच दुर्भाग्य से 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया, तब माधुरी खुद ही उनसे अलग हो गई, और इस तरह दोनों की लव स्टोरी का अंत हो गया। दोस्तों आइए अब आपको संजय दत्त और नादिया दुर्रानी की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। वैसे तो संजय दत्त और नादिया दुर्रानी की मुलाकात कब और कैसे हुई थी ये बात तो कोई नहीं जानता, और न ही संजय दत्त ने कभी इस बारे में कुछ कहा। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि संजय दत्त और उनकी दूसरी पत्नी रिया की शादी नादिया दुर्रानी की वजह से ही टूटे थे। दावा किया जाता है कि संजय दत्त रिया संग शादी से पहले नादिया दुर्रानी को डेट कर रहे थे, और उन्होंने रिया संग शादी के बाद भी नादिया दुर्रानी के साथ रिश्ता बनाए रखा था। दरअसल संजय दत्त और नादिया दुर्रानी साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे में एक साथ नजर आए थे। हालांकि कुछ समय बाद संजय और नादिया दुर्रानी भी अलग हो गए, लेकिन दोनों के अलग होने की वजह किसी को पता नहीं चले। आइए अब आपको संजय दत्त और लीजा रे की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से कठिन दौर में जाने के बाद संजय दत्त को लीजा रे के साथ सुकून मिला, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी भी बहुत कम ही चले, और कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि लीजा ने हमेशा एक्टर के साथ रोमांटिक रिश्ते में होने से इनकार किया, लेकिन इनके बीच का ये रिश्ता किसी से छुपा न रह सका। खैर दोस्तों, इन एक्ट्रेसेस के अलावा भी संजय दत्त की लाइफ में कई एक्ट्रेसेस आई थी, जिसमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री शामिल हैं। लेकिन संजय दत्त दोनों एक्ट्रेसेस के साथ महज कुछ ही समय के लिए रिलेशनशिप में आए थे। संजय दत्त ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार किया कि वो एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं के साथ रिश्ते में रह चुके हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था, मैं एक समय में 3 रिश्तों में था, आपको बस थोड़ा सा चालाक होने की जरूरत है, बाकी सब मैनेज हो जाता है। दोस्तों संजय दत्त के ये बोल उनके प्लेबॉय होने का सबूत देते हैं। हालांकि संजय दत्त की लव लाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट ने हमेशा से ही लोगों को हैरान किया है, लेकिन उनकी शादियां भी कम सुर्खियों में नहीं रही हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 शादियां की हैं, और एक्ट्रेस की हर शादी उनकी कैसिनोवा छवि की वजह से फैंस के बीच छाई रही है। तो आइए अब आपको संजय दत्त की पत्नियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले संजय दत्त की पहली पत्नी से आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है ऋचा शर्मा।
दरअसल संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान हुई थी। ऋचा पर संजय का पहले से ही क्रश था और बाद में एक्टर को उनके साथ फिल्म करने का मौका मिला। संजय दत्त ने एक लोकल मैगजीन में ऋचा की तस्वीर देखे थे और उसी दौरान वो उनके दीवाने हो गए थे। वहीं जब संजय दत्त को ऋचा के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला तो वो ऋचा के साथ दोस्ती करने में जुट गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय किसी तरह उनका टेलीफोन नंबर लेने में कामयाब रहे और उन्हें फोन करने लगे और ऋचा को डेट के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने हमेशा ही संजय दत्त को नहीं में जवाब दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद एक दिन ऋचा ने संजय दत्त को डेट करने के लिए हाँ कह दिया और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद दोनों की साल 1987 में शादी हो गई। शादी के एक साल बाद कपल ने अपनी बेटी त्रिशाला को जन्म दिया और बेटी के जन्म के दो साल बाद संजय दत्त को पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद ऋचा अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई थी। वहीं कुछ समय बाद ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी की चर्चा चारों तरफ होने लगे थे, जिस वजह से ऋचा अपने पति संजय दत्त को छोड़कर माता पिता के साथ रहने लगे और फिर न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया था। दोस्तों, ऋचा शर्मा के निधन के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया और फिर साल 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से शादी कर ली। लेकिन इस बार भी उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका और फिर दोनों का शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते 2005 में तलाक हो गया। दावा किया जाता है कि तलाक के बाद संजय दत्त ने रिया को एलिमनी के तौर पे एक कार और एक लग्जरी अपार्टमेंट दिया था। दोस्तों, इस तलाक के बाद संजय दत्त की जिंदगी में आई आखिरी लड़की मान्यता दत्त बनी, जो दिलनवाज शेख के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता है कि जब संजय दत्त नादिया को डेट कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट मान्यता से हुई थी और वो मान्यता की नॉर्मल लाइफ को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। मान्यता का सहज और विनम्र स्वभाव संजय दत्त को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और इसी तरह धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया, जिसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय दत्त और मान्यता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद दोनों दो जुड़वा बच्चे शहारन और इकरा के माता पिता बने। एक मर्तबा संजय दत्त ने इंटरव्यू में मान्यता की तारीफ करते हुए कहा था कि मान्यता मेरी बेटर हाफ नहीं है बल्कि वो मेरी ताकत है। मैं जब भी नीचे गिरा हूँ उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्तों, संजय दत्त के इन बोल से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी पत्नी मान्यता से कितना प्यार करते हैं। शायद इसी के कारण उनकी जिंदगी में मान्यता के बाद कोई और लड़की नहीं आई। दोस्तों, ये तो बात रही संजय दत्त की पर्सनल लाइफ की, लेकिन आइए अब आपको संजय दत्त के फिल्मी करियर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल एक्टर संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआती फिल्म रेशमा और शेरा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किए थे और उन्होंने फिल्म रॉकी से लीड एक्टर के तौर पे बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया था। उस साल वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके अलावा संजय दत्त ने अपने सुपरहिट करियर में सड़क, वास्तव द रियलिटी, दुश्मन, कांटे, अग्निपथ और मुन्ना भाई MBBS जैसी कई धमाकेदार फिल्में दी हैं और उनकी हर फिल्म में उनकी एक्टिंग को सराहा गया है। आज के समय में अगर बात करें संजय दत्त की नेटवर्थ की तो उनकी कुल नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए आंके गए हैं। दोस्तों, फिलहाल संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वो और मान्यता दत्त दोनों लोग एक्टर की पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला को भी काफी प्यार करते हैं। तो दोस्तों, संजय दत्त की ऐश भरी लाइफ आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।